नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बताते चले थाना जोही क्षेत्र में बेबी के हाथे की रहने वाली मनीषा ने 4 वर्ष पूर्व हरदोई के रहने वाले मुकेश से लव मैरिज की थी, जिससे कुछ ही समय बाद पति पत्नी में आपसी अनबन रहने लगी और मुकेश आए दिन अपने पति पत्नी मनीषा को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने लगा, जिसके चलते लॉकडाउन के बाद मनीषा अपनी माँ बाप के घर रहने लगी। इसके बाद कई बार मुकेश ने अपने रिश्तेदारों से मनीषा के घर वालों को फोन कराकर पुनः दोबारा लड़ाई झगड़ा न करने की बात कहकर मनीषा को अपने घर वापस ले गया था, पर घर ले जाने के दूसरे दिन ही मनीषा के साथ वह मारपीट करने लगा, जिससे नाराज होकर मनीषा फिर से अपने घर वापस चली आई। पुनः बेटी के साथ मारपीट की घटना को देखकर परिजनों ने घटना की शिकायत जूही थाने में करनी चाही, पर कई दिन से पुलिस वालों द्वारा बात को टाला मटोली की जाती रही। पीड़ित की माने तो घटना वाली रात पीड़ित हीरालाल अपने दामाद मुकेश के खिलाफ शिकायत करने जूही थाने गया था, पर किसी कारणवश बिना शिकायत सुने उसे वहां से वापस भेज दिया गया और वह जूही थाने से लौटकर अपने घर पर सभी परिजनों के साथ जमीन की फर्श पर सो रहा था। तभी करीब रात 4 बजे उसे फर्श पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ तो उसकी अचानक नींद टूटी और जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक बाहर से उसका दामाद चिल्ला रहा था और अचानक देखते ही देखते कमरे में आग लग गई। इलाकाई लोगों की मदद से वह मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उर्सला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बता दें कि परिवार में हीरालाल व उसकी पत्नी शिव कुमारी और एक बेटा मनीष व 4 बेटी अंदर सो रहे थे। वे सभी आग में बुरी तरह से झुलस गए। एक बेटी राधा को छोड़कर सभी के चेहरे के साथ पूरा शरीर जला हुआ है और सभी को हालत नाजुक बताई गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर क्षेत्र अधिकारी बाबूपुर व पुलिस अधीक्षक दक्षिण दीपक भूकर के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल कर अपराधी को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक दक्षिण दीपक भूकर का कहना है कि जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी ने परिजनों से घटना की जानकारी एकत्रित की और पत्रकार से वार्ता भी की। पत्रकार से वार्ता के दौरान विधायक महेश त्रिवेदी ने बताया कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ शासन व प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। मैं आपका, हमारा नाम हीरालाल। क्या घटना आज हो गई है? घटना ये हो गई थी कि हम गए थे थाने, कंप्लेंट लिखाया था जाके, वहाँ कंप्लेंट वो लोग लिखे नहीं, कहें कि जाओ तुम्हारी लड़की अगर जाना चाहती है तो फिर तो न जाना चाहती तो न भेजो। तो हमने कहा ठीक है। अब वहाँ से हम आए घर पर, आराम से सब कोई बैठे थे, तो उसके बाद में खाना ना खा के सो रहे तो 2 बजे रात में आया। आने के बाद पहले डाल दी पेट्रोल। कौन आया था? अरे वही बिटिया के दामाद। क्या नाम है उनको? उसका नाम है मुकेश। और वो आया और पेट्रोल जब डाल दी तो हमने कहा यहाँ साला पहाड़ी कहाँ से गिर गया। फिर उसके बाद में जब हम सूंघा तो गंदाने लगा तो कह रहा बाहर निकलो और लंगड़िया निकाल दो नहीं तो अभी समझ लेना, और बाहर आ गए तो तुरंत गोली मार देंगे। तो हमने कहा कि अच्छा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने खोला बस तुरंत माचिस लगा दी। इसमें कितने लोग जख्मी हुए हैं? कितने लोग आप लोग जले हैं? हम लोग 7 आदमी जले हैं। इसकी सूचना पुलिस में दे दी गई? हाँ, पुलिस वाले आए थे। जी आज कहाँ पर क्या घटना हुई है? आज ये तानपुर नगर में और देवी का हाथा में, यहाँ पर 7 लोगों का जलने का है और कहते घर के दामाद ने ही ऐसा कृत्य किया है और हमने तो जीवन में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि दामाद ने इतना जघन्य अपराध किया, और जिसमें कहते 3-4 लोग तो बहुत ज़्यादा 70-75% जल गए। एक बच्ची है वो भी है, किसी बच्चा झुलस गया। निश्चित रूप से बहुत पापमय काम किया है। प्रशासन भी आया था, उसको उसने जो अपराध किया है वो निश्चित रूप से कानून के दायरे में उसको दंडित करने का काम किया है। बहुत ही दुखद ये घटना है। ईश्वर से यही कामना है कि परिवार को साथ दे, हम सब लोग मिलके मदद में रहेंगे। आप जो विधायक जी जा रहे हैं,
विधायक जी, एक बात ये भी सुनने में आ रही है, जिन्होंने पीड़ित है उन्होंने बताया कि बेटी के आए दिन प्रताड़ित किए जाने से परेशान थे परिजन, और उसकी शिकायत कई बार थाने में की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये तो जानकारी हमको अभी नहीं हुई है, अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई करने के ये थाना जोही अंतर्गत एक बीवी पति का हादसा है, उसमें सुबह 4 बजे घटना हुई जिसमें मुकेश नाम का व्यक्ति जो जनपद हरदोई का रहने वाला है उसकी मनीषा नाम की महिला से शादी हुई थी 3.5 वर्ष पहले, और उनका आपस में पारिवारिक विवाद चल रहा था। वो सुबह 4 बजे इनके घर पे आया, इनके परिवार के 7 सदस्य जो घर में सो रहे थे उनको दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, और जब उनके परिवार वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला तो इसने उसके गेट पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी। जो अंदर 7 सदस्य थे उनको बर्न इंजरीज हुई हैं, जिनमें से सभी को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। 1.5 महीने का जो बच्चा था छोटा मनीषा का, जो इसके मनीषा के साथ ही रहता था, उसको कोई बर्न इंजरीज नहीं हुई है, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही है। बाकी 6 को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। अक्यूज जो है मुकेश, उसको अरेस्ट करने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही हम उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इंडियन वाइब न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।